लास्ट टाइम हम लोगों ने सुपर पोजिशन के बारे में पढ़ा था कि सुपर पोजिशन क्या है। सुपर पोजिशन में एक इम्पॉर्टेंट केस हमने डिस्कस किया था, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। हमने कहा था कि अगर दो आइडेंटिकल वेव्स हों जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ जिनकी सेम हो, और वो साइमल्टेनियसली मूवमेंट करें, तो दो काम कर सकते हैं। या तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को इनहेंस कर सकती हैं, या एक दूसरे के इफेक्ट को बिल्कुल ही कैंसिल कर सकती हैं। जैसे कि ये हमारी वेव ए है और ये वेव बी है, ये मेन पॉइंट है, यहाँ से ये इसका क्रस्ट है और ये इसका क्रस्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी ये इसका क्रस्ट है और ये चीज इसका ट्रफ वेव बी का। अगर तो ये दोनों वेव इस तरह से मूवमेंट शो करें कि ये दूसरे के जो इफेक्ट है उसे इनहेंस करें, यानी कि कंस्ट्रक्टिव काम करें। कंस्ट्रक्टिव काम ऐसा ही होता है ना जिसमें कुछ ना कुछ फायदा होता हो, कोई ना कोई चीज़ बड़ी प्रोड्यूस होती है दो चीज़ों के मिलने से। सिमिलरली यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग यही है कि एक अच्छा काम किया जाना। जिस तरह की ये वेव ए है और ये वेव बी है, जब ये दोनों आपस में इस तरह से मिलें कि एक दूसरे के इफेक्ट को इनहेंस कर दें, और इनहेंस किस तरह करें कि एक ऐसी वेव प्रोड्यूस करें जिसका डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड इन दोनों के इफेक्ट, दोनों के जो है वेव, उनके प्लस के इक्वल हो, यानी कि उनके सम के इक्वल हो, और एक बड़ी वेव बना दें। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि ये इंटरफेरेंस ऑफ वेव है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव कैटेगरी में आता है। यानी कि इसे हम लोग कह सकते हैं ये कंस्ट्रक्टिव वेव है। जब दो वेव आपस में इस तरह से मूव करें कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पर और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पर आए, तो एज अ रिजल्ट जो वेव हमारे पास आती है उसे हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव कहते हैं, जैसे कि ये वेव है। सिमिलरली अगर दो वेव इस तरह से आपस में मूवमेंट शो करें कि वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर दें, एक दूसरे के इफेक्ट को बिल्कुल कैंसल आउट कर दें। कैंसल कैसे करेंगे कि जब दो आइडेंटिकल वेव, आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसे, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम हो, जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो, उनकी वेवलेंथ सेम हो। जैसे कि अगर ये वेव ए है हमारे पास, ये वेव ए है, और वेव बी इस तरह से आए हमारे पास कि पहले उसका क्रस्ट वो ट्रफ आ जाए, देन उसका क्रस्ट आ जाए, इस तरीके से हमारे पास आए। तो इस तरह से आ रहे हैं दो वेव, एक वेव वैसे ए और दूसरी वेव बी, इस तरीके से ये उनकी मेन लाइन है जिसके ऊपर वेव जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। और एक वेव जो है वेव ए इस तरह से आ रही है, ये वेव ए है। सिमिलरली ये वेव बी है जिसका पहले ट्रफ आ रहा है एंड देन क्रस्ट आ रहा है, यानी कि पहले क्रस्ट ट्रफ और फिर उसका क्रस्ट आता है। और ये भी दोनों आइडेंटिकल वेव हैं, दोनों की वेवलेंथ बिल्कुल इक्वल है, दोनों की फ्रिक्वेंसी बिल्कुल इक्वल है। तो जब इस तरह का कोई भी फिनोमिना हो तो एज अ रिजल्ट हमारे पास कोई भी वेव प्रोड्यूस नहीं होती, यानी कि डिस्ट्रक्टिव काम होता है, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता। तो इस तरह की इंटरफेरेंस जब दो हो, जब दो आइडेंटिकल वेव साइमल्टेनियसली इस तरह से मूव करें कि उनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम हो, उनकी वेवलेंथ भी सेम हो, लेकिन वो आपस में इस तरह से मिले कि एक दूसरे के इफेक्ट को बिल्कुल जायल कर दे, कैंसिल कर दे, और कोई भी खलल या कोई भी डिस्टर्बेंस जो है वो मीडियम के अंदर प्रोड्यूस होता हुआ ना नजर आए, तो इस तरह की जो वेव होती है उसे हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव कहते हैं। जो है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव, इनमें दो चीज़ें कॉमन होती, मतलब कि दो डिफरेंट है, मेजर डिफरेंट है, डिफरेंस आता है इनमें। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव है वो हमेशा एक कंप्लीट वेव की फॉर्म में आएगी, या तो वो वन लैम्डा हो सकता है, या 2 लैम्डा, या 3 लैम्डा, सो ऑन, इस तरह से, यानी कि एक कंप्लीट वेवलेंथ आपके पास एज अ रिजल्ट आती है। लेकिन जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात होती है तो इसमें हमारे पास कंप्लीट नहीं बल्कि हाफ की फॉर्म में आती है, जैसे कि λ/2 हो गया, 3 λ/2, सिमिलरली सो ऑन। यानी कि हमारे पास एक कंप्लीट वेव नहीं आती बल्कि इस तरह से हमारे पास वेव आती है λ/2 की फॉर्म में, 3 λ/2 की फॉर्म में। तो जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला होता है, यानी कि जिस तरीके से हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव को निकालते हैं, वो n+n+1/2 λ, इस चीज को हम लोग पाथ डिफरेंस कहते हैं, पी डॉट डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिमिलरली जो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होता है वो, उसमें पाथ डिफरेंस जो है वो n λ के इक्वल आता है। पाथ डिफरेंस का मतलब है कि एक वेव को दूसरी वेव में से सब्ट्रैक्ट करके कितना हमने डिफरेंस बचता है, यानी कि उनके पाथ में जो उन्होंने कवर किया उसमें कितना जो है डिस्टेंस आता है। जब भी वेव की इंटरफेरेंस देखनी हो तो हम लोग एक अपरेटस इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग रिपल टैंक कहते हैं। ये हमारे पास रिपल टैंक होता है,
इस सुपर टैंक के अंदर हम लोग वेव को प्रोड्यूस होते हुए देख सकते हैं कि किस तरह से वेव की इंटरफेरेंस होती है। ये एक रिपल टैंक है, एक ऐसा डिवाइस जिसके जरिए हम लोग जो है वाटर के अंदर इंटरफेरेंस बसाते खुद पैदा करके देख सकते हैं कि किस तरह से इंटरफेरेंस जो है वाटर के अंदर प्रोड्यूस होती है। ये एक टैंक होता है, इसके अंदर हम लोग पानी फिल कर देते हैं। यहाँ पर एक पावर सप्लाई मोटर लगी होती है और मोटर के साथ दो नॉब लगे होते हैं। जब हम मोटर को ऑन करते हैं, और एक बल्ब भी होता है ताकि हम क्लियरली उसकी इंटरफेरेंस को देख सकें। यहाँ पर दो नॉब लगे होते हैं, उन नॉब को हम लोग जो है वो नीचे कर देते हैं। वो पानी की सतह पर इस तरह से वो नॉब्स होते हैं और वो पानी की सतह के ऊपर वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। जब वो वाइब्रेट करते हैं, दो नॉब होते हैं यानी कि दो सर्कुलर इस तरह से सर्कल की शेप में दो वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, और वो दोनों वेव्स आपस में इंटरफेरेंस भी करती हैं। इस तरीके से जो है वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं। एक नॉब S1 जिसे आप सोर्स कह सकते हैं, सोर्स S1 एक नॉब होता है, और S2 जो है वो दूसरे नॉब को कह देते हैं। दोनों नॉब्स जो है वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी डिफरेंट उनके सर्कल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो आपस में इंटरफेरेंस कर रहे होते हैं। किसी पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है और किसी पॉइंट पर जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पर आप इंटरफेरेंस होती हुई देख सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से जैसे ये दो पॉइंट से दो सर्कल पर प्रोड्यूस हो रहे हैं सर्कुलर वेव, इसी तरह रिपल टैंक में भी दो नॉब से दो सर्कुलर वेव प्रोड्यूस होती हैं, और डिफरेंट पॉइंट्स पर उनकी डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हुए हम लोग आसानी से देख सकते हैं। इस तरीके से ये दो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, और कहीं किसी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है और किसी पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है। ये देखने के लिए कि किस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव और किस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम इस तरह से करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं जिसमें हम एक ऑडियो जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। इस ऑडियो जनरेटर के बाद हम लोग यहाँ पर एक पावर सप्लाई भी इस्तेमाल करते हैं, पावर एम्पलीफायर, ताकि वो इनके सिग्नल्स को ज़्यादा इनहेंस करके दिखा सके। यहाँ पर एक पावर एम्पलीफायर लगा होता है, और इस पावर एम्पलीफायर के साथ दो सोर्सेज होते हैं, यानी कि एक S1 सोर्स होता है जो कि एक वेव प्रोड्यूस करता है, और दूसरा सोर्स जो है वो S2 है यानी कि ये वेव नंबर 2 प्रोड्यूस करेगा। इसे हम लोग S1 कह देते हैं और इसे S2 कह देते हैं। ये जो दोनों सोर्स है ये इस तरह से अंदाजा लगा लीजिए जैसे कि जो रिपल टैंक है उसमें दो नॉब होते हैं ना, जो दो नॉब है वो इस तरह से सर्कुलर वेव प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ये दोनों सोर्सेस हैं अपनी अलग अलग वेव प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि अगर हम S1 की बात करें तो S1 में इस तरह से प्रोड्यूस होगा, पहले ये क्रस्ट आ गया, देन इसको इस तरह से ये ट्रफ बना लिया, फिर एक क्रस्ट आया और फिर एक जो है वो ट्रफ आ रहा है इस तरीके से। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ यानी कि एक वेव लेंथ हो गई, और फिर एक क्रस्ट, फिर एक ट्रफ, ये 2 लैम्डा हो गई, फिर एक क्रस्ट आ रहा है और ये इसका ट्रफ आ गया। तो ये हमारे पास 3 वेवलेंथ हो गई यानी कि 3 लैम्डा आ गई। सिमिलरली जब सोर्स 2 ने भी इसी तरह से प्रोड्यूस करनी है, इसमें जो डॉटेड लाइन है वो ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रही है, इस तरह से आप इस तरह कह लीजिए ये ट्रफ को, और जो सॉलिड लाइन है वो क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली जो सोर्स 2 है जब इसे प्रोड्यूस करनी है, तो यहाँ पर पहले ये भी बनाएगा एक क्रस्ट, फिर आएगा एक ट्रफ, एक वेवलेंथ होगी। सिमिलरली फिर एक क्रस्ट आएगा और फिर एक जो है हमारे पास ट्रफ आएगा, यानी कि इसी तरह से वाकई ही में ये सर्कल्स आपस में एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं। फिर एक और हमारे पास क्रस्ट आ जाएगा, और इस क्रस्ट के बाद हमारे पास एक और ट्रफ आ जाएगा इस तरीके से। तो देखा जाए तो ये वाली चीज़ जो है ये 1 लैम्डा, ये वाली चीज़ 2 लैम्डा, और ये वाली चीज़ 3 लैम्डा, क्योंकि दोनों सोर्सेस ने 3 3 लैम्डा जो है प्रोड्यूस किए हैं। अब हम इनको ये देखने के लिए कि कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, हम इनका पाथ डिफरेंस लेते हैं। मतलब कि एक सोर्स की पैदा की गई वेव्स में से दूसरे सोर्स की जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है उनका डिफरेंस ले लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि आया कि इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उस पॉइंट पर या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। जैसे कि लेट्स सपोज कि एक पॉइंट हम ये वाला ले लेते हैं, जहाँ पर ये वाला सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं जहाँ पर हमारी वेव जो S2 की सोर्स से पैदा होने वाली वेव्स हैं, ये S1 से पैदा होने वाली वेव्स को यहाँ पर कोइंसाइड करेंगे। एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं, इस तरह से इसे मार्क कर लेते हैं, और दूसरा पॉइंट हम लोग ये ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट। तो इस तरह से हमने तकरीबन 2 पॉइंट ले लिए। इसे पॉइंट को A1 का नाम दे देते हैं और इसे जो है हम लोग A2 का नाम दे देते हैं।
अगर हम लोग A1 की बात करें, इनके पॉइंट A1 पे देखना चाहें कि इस वक्त यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो सबसे पहले इनका गेप देखिए कि F1 सोर्स हमें इस तरह से लिखना चाहिए कि F1 सोर्स से जो वेव प्रोड्यूस हो रही है माइनस F2 सोर्स से जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, उनका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है जो कि पाथ डिफरेंस है। अब देखा जाए तो पॉइंट A1 की बात करें तो यहाँ पर सोर्स A2 की कौन सी वेवलेंथ आ रही है, जैसे कि ये एक वेवलेंथ थी, सिमिलरली दूसरी वेवलेंथ थी, और ये वाली हमारी 2.5 लैम्डा है, यानी कि यहाँ पर आके 2.5 लैम्डा हो जाता है, क्योंकि अगर ये हमारे पास ट्रक शामिल हो जाता तो हमारे पास 3 लैम्डा बनना था, अब हमारे पास 2 लैम्डा है, एक लैम्डा यानी कि हमारे पास 2.5 लैम्डा आता है, और अगर ये वाला क्रस्ट ट्रफ जो है वो शामिल हो जाता तो हमारे पास कंप्लीट 3 वेव आ जानी थी, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 2.5 वेव आ रही है, क्योंकि आधा हिस्सा जो है अगली वेव का, तीसरी वेव का, वो शामिल नहीं हो रहा, तो मुझे F2 में ये लिखना चाहिए कि 2.5 लैम्डा। और F1 की बात की जाए तो F1 पे ये किस पॉइंट पर आ रहा है, F1 पे जिस पॉइंट के साथ मिल रहा है, यानी कि F2 का ये वाला डॉट F1 के सोर्स के साथ यहाँ पर मिल रहा है इस पॉइंट पे, देखा जाए तो ये 1 लैम्डा और ये 2 लैम्डा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी 2.5 लैम्डा है, क्योंकि ये भी 3 उस वक्त होता है जब ये वाला पार्ट इसमें शामिल हो जाता, लेकिन अब चूंकि ये वाला पार्ट इसमें शामिल नहीं हुआ तो हमें यही कहना चाहिए ना 2.5 लैम्डा F1 का, और नेगेटिव साइन ऐसे ही रहेगा। ये वाले सोर्स ने इस सोर्स को कम्प्लीटली माइनस कर दिया, देखा जाए तो इनका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल 0 निकलता है, तो जब पाथ डिफरेंस 0 निकल आए, 1 निकल आए, 2 निकल आए, 3, यानी 0 से लेके 100 जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। आप ये कह सकते हैं कि पॉइंट A1 पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अब अगर पॉइंट A2 की बात की जाए तो A2 पे भी देख लेते हैं कि A2 पे क्या मसला आ रहा है, यहाँ पर भी हमें सोर्स S1 माइनस सोर्स S2 लिखना पड़ेगा पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए कि आया यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या डिस्ट्रक्टिव। अब देखा जाए तो ये हमारा वेवलेंथ 1 लैम्डा हो गया, और ये एक क्रस्ट आ रहा है अगले हिस्से का, यानी कि 1 पॉइंट, ये 2 तो उस वक्त होता ना जब ये वाला कंप्लीट वेव इसके साथ मिल जाता, लेकिन अब कंप्लीट वेव नहीं मिली बल्कि एक वेव कंप्लीट है लैम्डा, और अगली वेव का सिर्फ क्रस्ट आ रहा है, इसका मतलब है 1.5 लैम्डा हो गई पॉइंट A2 पर सोर्स A2 में, जो कि है 1.5 लैम्डा। और S1 को देखा जाए कि S1 पे किस पॉइंट पर आ रहा है, तो ये इस पॉइंट पर आ रहा है, इस वाली लाइन से मिल रहा है, इस वाली लाइन से, तो और ये 1 लैम्डा हो गया हमारे पास, और फिर उसके बाद ये 2 लैम्डा, यानी कि 2 लैम्डा वाले पॉइंट पर जाकर A2 जो है वो मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें कंप्लीट 2 लैम्डा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला भी लैम्डा आ गया और ये वाला भी लैम्डा इसके साथ ही मिल गया, बल्कि थोड़ा सा मुझसे शायद गड़बड़ होगी यहाँ पर, यहाँ ये हमसे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पर पहले आता है, यहाँ पे एक क्रस्ट आ रहा है, उसके बाद ये वाली लाइन आ रही है, देखिए ना ये वाली लाइन आ रही है जो कि हमारी ट्रफ है, ट्रफ के बाद क्रस्ट, जैसे पहले आता है क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट पे जाकर हमारा A2 पॉइंट मिल रहा है इस वाले क्रस्ट ट्रफ के साथ, ये वाला ट्रफ जो है हमारे इस वाले ट्रफ के साथ मिल रहा है इस पॉइंट पर, जो कि 2.5 है, ये 1 लैम्डा, 2 लैम्डा और ये 7/8 मिल जाता है, जिस वजह से यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था 2.5 लैम्डा, इसे थोड़ा सा हमें इस तरह से लिखना चाहिए कि ये हमारे पास 2.5 लैम्डा आ गया, तो इस तरह से जो इनका डिफरेंस निकलता है वो 1 निकलता है, 1 लैम्डा, इसका मतलब है इस पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, ये दोनों पॉइंट हमारे जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहे हैं, और अगर हमें किसी पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, जैसे कि अगर इस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए, इस वाले पॉइंट को इसे A3 कह देते हैं, तो A3 पे हम लोग देख लेते हैं, A3 पे हमारे पास क्या आ रहा है, A3 पर भी हमें S1 माइनस S2 चाहिए जो कि पाथ डिफरेंस के इक्वल आएगा। अब S1 को देखा जाए इस पॉइंट पर A3 पर, तो F3 जो है वो हमारे पास 2.5 लैम्डा आता है। सिमिलरली S2 को देखा जाए तो ये S2 जो है हमारे पास कंप्लीट लैम्डा है, क्योंकि इस पॉइंट पर आ रहा है, तो ये 3 लैम्डा, जब 2.5 माइनस 3 आ रहा है तो इसका मतलब है 1/2 लैम्डा, यानी कि 1/2 लैम्डा, इसका मतलब है A3 पर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक कंप्लीट वेवलेंथ नहीं आ रही बल्कि 1/2 लैम्डा आ रहा है, इसका मतलब है A1 और A2 जो है हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहे हैं, जबकि A3 जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहा है,
तो इस तरीके से रिपल टाइम के जरिए हम लोग किसी भी पॉइंट पर इंटरफेरेंस को बज़ाहिर पैदा करके देख सकते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट से हम ये भी बता सकते हैं, इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके, कि हमारे पास किस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और किस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। जैसे कि यहाँ पर आपके लिए देखना मुश्किल था कि किस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव है और किस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव है। तो हम लोग जो है इनका पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं, और पाथ डिफरेंस निकाल के हमें इजीली पता चल जाता है कि किस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और किस पॉइंट पर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है।